और जांग जिले में कई गांव के ग्रामीणों ने अपने घरों पर भोजन नहीं बनाया और इन गांव मोहल्लों की रसोईयां सूनी पड़ी रही। वहीं गांव में निवास करने वाले ग्रामीणों ने अपने अपने खेतों पर जाकर दाल बाटी चूरमा और लड्डू बनाकर सबसे पहले रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणेश को भोग लगाया और पूजा अर्चना की, साथ ही कामना की है कि गंभीर महामारी कोरोना वायरस और अन्य बीमारियों का अंत हो और सब सुख की समृद्धि से रहे। और साथ ही में उसी की कामना को लेकर कई गाँव के ग्रामीण जनों ने अपने अपने खेतों पर पहुंचकर दाल बाटी बनाकर भोग लगाया श्री गणेश को। अरे बस बताइए ये कौन सा? हमारे गांव पीरजलार में दाल बाटी का प्रोग्राम किया गया। इस कोरोना महामारी को देखते हुए श्री गणेश का सर्वप्रथम पूजन किया गया और यह इसी उपलक्ष में किया गया है कि ये जो महामारी कोरोना चल रहा है इसको विश्व में मतलब पूरी दुनिया में ख़त्म करने के लिए ये ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। और आज हमारे गांव पीरजलार में हनुमान जी का पूजन किया गया। आप मानते हैं कि इस प्रकार दाल बाटी का भोग लगाने से भगवान की पूजा अर्चना करने से भगवान प्रसन्न होते हैं? जी, ये सभी का कहना है कि कुछ अच्छा करोगे तो कुछ अच्छा ही पाओगे। इसी प्रकार हमने आज दाल बाटी का प्रोग्राम सभी ग्रामवासी ने मिलकर खेत पर दाल बाटी का प्रोग्राम किया और गणेश जी का पूजन किया। हनुमान जी अच्छा। हाँ वही वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।